गए नहीं, पर क्यों? हम पहले भी आपका साथ न देकर राणा जी के प्राणों को संकट में डाल चुके हैं। अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहते हम। हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ रहना चाहते हैं। और वैसे भी एक पत्नी का जीवन तो अपने पति से ही होता है ना। मरेंगे साथ और जिएंगे साथ। सच कहें तो आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अमर सिंह जी प्रताप, हम अमर सिंह जी को रानी माँ के पास छोड़ आए। छोटी माँ, हम कुंवर प्रताप को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। इसी संकट और परीक्षा की घड़ी में हम उनका साथ देना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा कुंवर प्रताप को, और यदि आप हमारे संग नहीं चली तो अमर सिंह का ध्यान कौन रखेगा? आप रखेंगी ना उनका ध्यान? यदि अमर सिंह राजमहल में नहीं रहेंगे तो वे आपके साथ अधिक सुरक्षित रहेंगे, और अगर राजमहल में कोई अनहोनी भी घट गई तो वे आपके साथ जीवित तो रहेंगे ना। हमने आज तक जो कुछ भी आपके साथ किया, कुंवर प्रताप के साथ किया, उसके बाद आप अमर सिंह को हमारे साथ छोड़ना चाहते हैं? छोटी माँ, यदि हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही दिखेगा, और अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। और ऐसी कठिन स्थिति में हम सब कुछ अच्छा ही देखना चाहते। आपने अपनी जान पर खेल के हमारी जान बचाई। आज अमर सिंह जीवित है तो आपकी वजह से, यहाँ तक कि कुंवर प्रताप के लिए आपने अपने पुत्र के विरुद्ध भी गई। क्या ये सब हमें नहीं दिखता? आपने अमर सिंह को हमसे ज्यादा प्यार किया है, हमसे ज्यादा ध्यान रखा है उनका आपने। यहाँ तक कि अमर सिंह को अगर छोटे से छोटा रोग भी हो जाता था तो आपने उनके लिए कितनी प्रार्थनाएं की है। पर यदि हमने आप पर अविश्वास कर दिया तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा छोटी माँ। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो आपकी छाव में अमर सिंह सुखी तो रहेंगे। हमें कुंवर प्रताप के साथ जाने के लिए हाँ कर दीजिए छोटी माँ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अमर सिंह का पूरा ध्यान रखेंगे, और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आपके पुत्र का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत साहसी हैं आप अजूते, गर्व है हमें आप पर। सुनिए, आप जाकर इस सरदास जी की पत्नी को बुलाइए। आप महल में वापस जा रही हैं अजूते, आज महल का सारा उत्तरदायित्व आपका। ये महल की तिजोरी की चाबियां, ये हमारे निजी कक्ष की चाबी, और ये कुठार की चाबी। दुर्ग का पूरा पूरा ध्यान रखना। हम अपने प्राण से भी अधिक ध्यान रखेंगे इस दुर्ग का। परंतु छोटी माँ, एक चाबी तो आपने दी नहीं है हमें। सारी चाबियां तो दे दी, राजकोष की, तिजोरी की, और हमारे निजी कक्ष की। चौहर की कक्ष की चाबी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर कभी वो कक्ष नहीं खुलेगा। और यदि आवश्यकता पड़ गई तो? हम कह रहे हैं ना आपसे, ऐसा नहीं होगा। जब दे छोटी माँ, इस युद्ध में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पराजित या तो विजय। फिर आप इस सच्चाई से अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती हैं? आप हमें जोहर कक्ष की चाबी दे दीजिए,
और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि यदि आवश्यकता पड़ी और समय आने पर हमें वो कक्ष खोलना पड़ा तो हमारे हाथ ना कांपे। जौहर कक्ष की चाबी हमें आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ कि हम चित्तौर राजघराने की गरिमा और उसके कुल परंपरा को सुरक्षित रख पाए। रानी माँ आप अभी तक यही है, हमें जल्द से जल्द मेवाड़ की सीमा को पार करना है। चलिए इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्या बात है? राणा जी वो जब तक कुंवर प्रताप के पास वापस जाना चाहती है। माँ यदि आप भी यहाँ रुक जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते अमर सिंह, यह आपके ताजीराज का आदेश है कि आप अपने बड़े ताजीराज और अपनी बड़ी रानी माँ के साथ जाएं। तब तक आप एक अच्छे बच्चे बनकर अपनी बड़ी रानी माँ का ध्यान रखेंगे और अपने बड़े ताजीराज की तरह शूरवीर बनेंगे, और हाँ आप उन्हें तंग नहीं करेंगे। पर माँ क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं तो फिर माँ कोई हमें यहाँ क्यों नहीं रखना चाहता, ना दाजीराज ना आप? अब ये आपका हुआ छोटी माँ, चलिए भवन जी आप आइए हमारे साथ। कुंवर जी हम आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मिल पाएंगे। अजब दे हम आपको वचन देते हैं, बहुत शीघ्र ही आप और हम दोनों अपने पुत्र अमर सिंह जी से मिलेंगे, फिर आपको इस जौहर कक्ष चाबी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस मुगल को चित्तौर दुर्ग छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मुगल सेना तो हर क्षण बढ़ती जा रही है। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारे फौज में सिपाहियों की तादाद कुल मिला के 32,000 हो चुकी है और हमारी फौज का घेरा किले के चौथे दरवाजे के काफी करीब पहुंच चुका है और बहुत जल्द राजपूतों को अपने किले के बचे हुए
चौथे दरवाजे को भी बंद करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप, हुक्म और राज परिवार को गए हुए आज पूरे 14 दिवस हो गए। अंतिम समाचार मिलने तक वो सोम नदी के किनारे पहुंच गए थे। हमें लगता है हमें दुर्ग के चौथे द्वार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अकबर की सेना दुर्ग के बहुत निकट आ चुकी है। नहीं सांडा जी, नहीं। हम थोड़ी और प्रतीक्षा करना चाहते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, एक और सिपाहियों की जंगी टुकड़ी इस जंग के लिए हमारी फौज में शामिल होने आई है हुजूर। अब हमारी फौज में सिपाहियों की तादाद कुल मिलाकर 40,000 हो चुकी है हुजूर। किले के चौथे दरवाजे का क्या हाल है? इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी फौज पूरे किले को घेर लेगी और हम दुश्मन को अपने चौथे और आखिरी दरवाजे को भी बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे हुजूर। गुस्ताखी माफ, क्या सोच रहे हैं शहंशाह? हम सोच रहे हैं कि इस वक्त दुश्मन क्या सोच रहा होगा। वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी फौज की तादाद बढ़ती जा रही है। उनके किले के चारों तरफ हमारी फौज का घेरा बढ़ता जा रहा है, फिर भी उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं। जितना हम अपने दुश्मन को जानते हैं, जितना हम उदय सिंह और प्रताप को जानते हैं, वो खामोश बैठने वालों में से नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वहां उस महल में क्या चल रहा है। पहुंचिराज, अब समय आ गया है जब हमें अपने दुर्ग का चौथा द्वार भी बंद कर देना चाहिए। जलालुद्दीन अकबर की सेना हर क्षण हमें चारों ओर से घेरते हुए हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रही है। लगभग लगभग उसने हमारे दुर्ग को पूर्णतः घेर लिया है। भौजीराज, रावत जी, दाजीराज को दुर्ग से गए हुए कितने दिन हो गए? कुंवर प्रताप, उन्हें लगभग 20 दिवस हो गए हैं यहां से गए हुए। अर्थात उस मुगल से सुरक्षित दूरी बनाने के लिए 20 दिन पर्याप्त है। अर्थात यदि वो उन्हें पकड़ने के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेजता भी है तो वो उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में दाजीराज उनसे 20 दिन आगे होंगे। जी बाजीराज, रावत जी, दुर्ग का चौथा द्वार बंद कर दिया जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, अपने दुश्मन को अपने किले का चौथा दरवाजा बंद करने के लिए भी मजबूर कर दिया शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारे जासूसों से हमें यह पता चला है कि मेवाड़ का शाही कुनवा चुपचाप महल छोड़कर कहीं चला गया। इतनी जोर से नहीं कुंवर जी, इतनी जोर से नहीं, बच्चे हैं आप, चोट लग जाएगी। हम बच्चे नहीं है, नहीं आप बच्चे, लड़िए हमसे। जी,
क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं आप अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं आप? क्या बात है अमर सिंह जी? सब बच्चा समझते हमें, इसलिए दाजीराज ने भी नहीं रखा हमें अपने साथ महल में, और माँ ने भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे रह सकते हैं इस संकट में वहाँ, और बड़े दाजीराज भी, क्योंकि हम अपने शत्रु अकबर से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमेशा हमें डांटते रहते हैं। हम बच्चे नहीं है, हम नहीं है बच्चे, हम रख सकते अपना ध्यान, हम अपने दाजीराज और माँ के साथ रहना चाहते हैं, हम अकबर से लड़ना चाहते हैं अपने दाजीराज के साथ। 20 दिन हो गए हमें अपने दाजीराज और माँ से दूर हुए, तो याद आ रही है हमें उनकी, रहना चाहते हैं उनके साथ। मुगल के कारण हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, दूर होना पड़ा अपने दाजीराज और माँ से, हमें अपने घर वापस जाना है, हमें अपने घर जाना है। अवश्य हम घर वापस जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक इंजी आपकी बात ना सुने, ये तो हमारे पिता है, परम पिता है, वे भला आपको आपके दाजीराज से दूर रख सकते हैं? कभी नहीं, बहुत जल्द हम वापस जाएंगे। आप सब लोग यूं तो जंग के मुतालिक हमसे हमारी तजवीज पूछा करते थे, तो यही थी हमारी तजवीज। हमारी फौजी ताकत से घबरा कर शाही खानदान खुद ब खुद किला छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके, और इंशाअल्लाह ऐसा ही है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें चित्तौड़ को हासिल करने से रोक नहीं सकती। हुजूर, आपका इशारा किले पर हमले का तो नहीं, तो हम जंग की तैयारी शुरू कर दें? हाँ, जब शाही घराना जा चुका है तब किले पे कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए हुजूर। और हुजूर, जरूरी नहीं है कि इस किले को छोड़कर जाने वाले शाही कारवां के साथ प्रताप भी गया होगा। यकीनन प्रताप किले में ही है। जंग को सामने देखकर भागना उसकी फितरत है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रताप किले में मौजूद है तो हमें उसे कम नहीं आना चाहिए। पूरे राजपूताने के लोग उसे बेहतरीन जंगी तजवीज अदा मारा है। चित्तौड़ के सिपाहियों को प्रताप पर बहुत ज्यादा भरोसा है। हजूर, जब तक प्रताप किले में मौजूद है हमारे लिए चित्तौड़ फतेह करना मुश्किल हो सकता है। भले ही शाही कुनबा महल छोड़कर जा चुका है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा? आप लोग हमारी तजवीज को समझे ही नहीं। किले पर हमला करना हमारा शुरू से ही मकसद नहीं था। हम तो चाहते थे कि कब शाही खानदान हमारे फौज के दबाव से परेशान होकर किला छोड़कर भाग जाए। जरा गौर से देखो इस किले, ऐसे नामुमकिन काम को भला कौन अपना मकसद बना सकता है? कैसे कोई ऊंचाई पर चढ़ेगा, कैसे कोई अंदर जाए? 10 मील में फैला हुआ है ये किला, और 300 गज ऊंचा है जमीन से। दुश्मन ऊंचाई पर जंग के लिए तैयार बैठा है। अगर हमने कोशिश भी की इस किले में दाखिल होने की, हमारे हजारों सिपाही बेफजूल मारे जाएंगे। इतनी बड़ी फौज इकट्ठा कर ली है हमने, क्या करेंगे ये तमाम फौजी? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। हम किले पर हमला करने की बजाय शाही खानदान के पीछे भेजेंगे अपनी फौज की एक टुकड़ी, और जैसे ही हमारी फौज की टुकड़ी उन्हें गिरफ्तार करेगी, प्रताप खुद ब खुद बौखला कर किले से बाहर आ जाएगा। प्रताप, अब तुम्हारी हार हार For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.